बहुत ज्यादा ऊपर है। ओह माय गॉड। हेलो हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द हिमाचली रॉबर्ट्स में। तो आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह ये कपड़े डाल के ये मैडम एकदम फॉर्मल डाल के कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बता दूँ आज इस मैडम का आज इंटरव्यू है चंडीगढ़ में। सो विश आर बेस्ट ऑफ लक। सो मेरे साइड से बेस्ट ऑफ लक आपको। आई होप बेस्ट ऑफ लक होगा। नहीं नहीं ऐसे ही बोलना था मैंने। तो हमारे चैनल पे लास्ट टू वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया है, काफ़ी अच्छा लगा हमें, एंड 50 प्लस सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो प्लीज़ ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाले टाइम पे और मस्त मस्त ब्लॉग आएंगे। सो अभी चलते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी लेट हो रहा है, मैं भी लेट हो रहा हूँ, ये मैडम भी लेट हो रही है, तो फिर हम मिलते हैं बाद में। चलो ओके बाय। इतनी गंदी फीलिंग आती है। सही में क्या बनाया था, क्या सोच के? पर ये था ये यूनिक थी ड्रेस में। ये बहुत लोग पहुंच गए पटियाला लाइट, ये जो रोड जा रहा है ये वाला रोड है ना जो सीधा, ये जाता है शिमला, ये जाता है दिल्ली और ये जाता है लंदर साइड लुधियाना साइड। ये पटियाला लाइट, ये पटियाला सीधा चले जाओगे तो पटियाला पहुंच जाओगे। ओके, इसलिए इसका नाम पटियाला लाइट है। तो गाइस ऑल द बेस्ट बोथ दोस को, ऑल द बेस्ट। सो आई होप ये सेलेक्ट हो जाए, होप के हो ही जाएगी, मेरे को इतना भरोसा है। ओह माय गॉड। चल ठीक है, बाय निकल। 8 hours later. फाइनली ऑफिस से हो गया फ्री। तो अभी मैडम का फोन आया कि वो 22 मार्केट में शॉपिंग कर रही है मैडम इस टाइम। इंटरव्यू के देके सीधा वहाँ निकल गए मैडम, तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। चलो फिर मिलते हैं वहाँ पे जाके यार। तो चंडीगढ़ का ट्रैफिक यार बहुत ही, चंडीगढ़ में भी डे बाय डे में ट्रैफिक बढ़ ही जा रहा है यार बहुत ही। चलो गाइस मिलते हैं फिर सीधा आपको 22 की मार्केट में। यहाँ पे चंडीगढ़ में 60 से ऊपर तुम जा ही नहीं सकते हो यार, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे चलते हैं आराम। अरे यार एक तो मैं सेक्टर 22 में को मिल नहीं रहा है, तो चंडीगढ़ में यह दिक्कत बहुत है ये सारा मार्केट ढूंढने का। देखना पड़ेगा मैप में वो है कहाँ। मैडम फोन भी नहीं उठा रही है। चलो गाइस मिलते हैं फिर। क्या शॉपिंग की अभी फिलहाल? अभी तो फिलहाल यही लिया है। ये आपने लिया? हमने तो बहुत कुछ मिली। फाइनली मैडम मिल चुकी है हमें सुबह से 11 बजे से ही गुदरी घूमी आ रही है। 11 बजे से नहीं घूम रही है। देखो जरा कोट पैंट डाल के। अरे मैडम सूट ले रही है, मैं आप ले रही हूँ, मम्मी के लिए ले रही है।
है इसमें? छोले टिक्की है, प्याज है, गोभी है। ये क्या होता है ये रेड रेड का? बीट बीट रूट। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? चुकंदर ना? नहीं चुकंदर 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 बोलते हैं। चुकंदर मत बोल देना। क्या है चुकंदर ना? चुकंदर मत ग्लाइन देना। आपका क्या रिएक्शन है? नया बंदा है, अभी खाया नहीं मैंने। नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, नाम तो बताओ अपना। मैं शिवाली हूँ, गुड़िया को ले लिया, अभी खाती हूँ। ठीक है, दीक्षा की ताई की लड़की है ना। सो हाउ इज इट? ठीक है, बट टिक्की की ना और थोड़ी सी क्रिस्पी होना तो आग लगा देगी ये। डिबेट हो रही है, पहली सालों शुरू हुई तब से। छोटी बोतल पहले नहीं आती थी कोको कोला की? क्यों नहीं आती थी? क्या रीज़न है? मुझे नहीं पता। तो मेरी शॉपिंग तो हो गई है बस इतनी सी। ये मैं अपनी शॉपिंग घर जाके दिखाऊंगी। अब इस मैडम की शॉपिंग देखोगे ना आप? हाँ तो वो बाद में दिखाएंगे आपको मैडम। सामने हमें शिमला के पहाड़ दिख रहे हैं। शिमला के पहाड़ ऐसे नहीं है, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ के पहाड़ बोल सकते हो आप। नहीं, जैसे दिल्ली में एंटर करते हैं ना जो मिलता है पहाड़ कचरे। चंडीगढ़ के पहाड़ है भाई ये शिमला के पहाड़ नहीं है। चंडीगढ़ भी कहाँ, चंडीगढ़ से बहुत बाहर आ गए हम। जबरदस्ती आएगी आएगी आएगी। ताजमहल छोड़ना इसको दिखा दीजिए। पुराने हो गए तू सुने नहीं, सुने लोकी पुराने हो गए। वीडियो च तेरी स्टोरी के तेरे नैन देख सोचा तू भी कर। ओ यार मिलिया दी गाल सदा सिर मथे लल्ली चली दा यार दे मखाना। आखिरकार इतने ट्रैफिक के चलने के बाद, इस लड़की की बकबक सुनने के बाद हम रूम पे पहुंचे गए। पहुंच के गए, पहुंचने ही वाले हैं। तो हम रूम पे पहुंच गए और आते ही दीक्षा ने बोला है कि मैं कॉफ़ी बनाती हूँ स्पेशल। अब से पता नहीं क्या घुमा रही है, क्या कर रही है? बीट कॉफ़ी। ये हमारा प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है बीट करने का। इसको तब तक बीट करना है जब तक एकदम यू नो चीनी घुल के एकदम ये क्रीम जैसा ना बन जाए, राइट? ये कैसी कॉफ़ी? इसको तो फिर तुमने वो तो किया ही नहीं, बॉयल नहीं करना है क्या? तो कॉफ़ी कॉफ़ी तो डालते नहीं जो डालगोना होती है वो भी ऐसे बनती है क्या? डालगोना का फ्रॉस्ट थोड़ा ठीक होता है। ओके, चीनी डालते हैं। ये थोड़ी इसमें चीनी डाली। दूध हो गया गरम, अभी डालेंगे इसको कप्स में। अब इसको अच्छे से मिक्स करना। टेस्ट करके बता कैसे बनी है, खुद की कॉफी खुद टेस्ट कर, क्योंकि मैं रिक्शा लेना चाहता। अभी मैं टेस्ट करके मैं बताता हूँ कैसे बनी है। अभी जिसने बताया था उसने ऐसे ना बताया। जबरदस्ती जो नहीं है यार, कसम मजा आ गया। और ये सो गाइस हमारा डेट हो चुका है। तो डिनर करने के बाद ना मेरा एक्चुअली क्या ना, जो मैंने ऑफिस में आज मेरे ऑफिस में एक सर है वो खीर लेके आए थे, और खीर का अमेजिंग टेस्ट आया। तो मैं सोच रहा था कि मैं आज रूम पे जाके खीर बनाऊंगा, दीक्षा बोलूंगा, पर दीक्षा बोल रही मैं थक चुकी हूँ, हम अभी खाना खा चुके तो खीर बनाने का मन है, बट अभी कौन बनाए खीर वो रखे चावल करे वो। तो मेरा मन क्या कर रहा है, एक मैगी बनाने का, वो मीठी वाली दूध वाली। अगर किसी ने खाई होगी तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो। चलो देखते कैसे बनती है। कुछ नहीं करना होता है, नॉर्मल इसमें दूध डालना है, वो मैगी डालनी, चीनी डालनी, खत्म। आई थिंक ये दूध कम डालनी, थोड़ा और डालना पड़ेगा। ये दूध डाला और चलो से हमारी दूध की मैगी, और ये हम डालेंगे इसमें शुगर। मैगी कम है तो उसमें शुगर ज़्यादा डालेंगे, 2.5 स्पून डालेंगे। ओके, इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स हुआ, टच नहीं कर रहा, मिक्स हुआ हो सब। जो भी ये देख रहे हैं ना, प्लीज़ ये ट्राई करके देखो यार, बेस्ट कॉम्बिनेशन है दूध के साथ में।
तो जब तक हमारी मैगी बन रही है मीठी वाली मैगी, तब तक हम दीक्षा जी से पूछ लेते हैं। सो मैडम, आज आपका इंटरव्यू है, क्या रहा उसका इंटरव्यू? अच्छा था, क्या अभी होल्ड पे रखा है, अभी दो तीन इंटरव्यू और हैं। अच्छा, देखते हैं अभी क्या बनता है, जो सही लगेगा वहाँ जाएंगे। ऑल द बेस्ट। चलो जो भी होगा अच्छा ही होगा, इस टेंशन लेने का बस देते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। चलाते हैं हमारी मैगी में, ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस 20 सेकंड और फिर आपको खा के बताते हैं। आप भी फर्स्ट टाइम खा रहे हो राइट? झूठे। अरे ना, बचपन मेरी मम्मी बना देती है, तब बड़ी मस्त लगती थी। बहुत एक बार मैंने बनाई थी, एक बार ट्राई करके देखो कैसे बनी। स्मेल तो अजीब सी आ रही है। स्मेल क्या कर रहे हो? अब मेरी मैगी वेस्ट कर दोगे, शर्म आ रही है? गरम हो गया। झूठ। दीक्षा बताइए हमें कैसे बनी है, थोड़ा अपने ना टेस्ट बड्स को ओपन कर लेना है, सांस रोक के मत खाना, सांस ले लेके खाना, फिर टेस्ट का पता लगेगा। दीक्षा खा रही है, लाइफ में पहली बार मीठी मैगी दूध से बनी हुई, चीनी डाल के। टेस्ट कैसी है? नॉट बैड। कैसी है? नॉट बैड। अच्छी है ना, मतलब ग्रेट सक्सेस, फाइनली मेरी मैगी दीक्षा को पसंद आई। नहीं अच्छी लगी? अच्छी है ना। ये चलो फिर हम खा के मिलते हैं, ठीक है, बाय। तो जैसे आपको पता था कि यार दीक्षा 22 मार्केट में गई थी शॉपिंग करने। 22 मार्केट चंडीगढ़ का जैसे दिल्ली का वो होता है ना, क्या होता है दीक्षा? हाँ, सरोजनी नगर मार्केट, वैसे ही चंडीगढ़ में सरोजनी नगर मार्केट जैसा माल मिलता है यहाँ पे, सस्ता और टिकाऊ और ओके ओके। कितने में? पहले गैस करो गाइस, बाद में जरा पहन के बताते हैं कितने का है ये। तो ये जो कोड लेके आई है, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया यार। तो मैडम इसकी प्राइस बता दो, कितने का था ये? ओ माय गॉड, इट्स 250 रियली? यार शॉपिंग तो ये करके आई है असली। हाँ ये अच्छा लग रहा है यार, ये दैट्स नाइस। ये कितने का है? 100 रुपये। 600 रुपीज़ का? ज़्यादा नहीं दे दिया कुछ मार्केट के हिसाब से? इट्स लुकिंग नाइस, ये अच्छा लग रहा है ना, ग्रेट सक्सेस, मेन काम करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी अभी रिसेंटली शादी हुई है, हार्डली 2 मंथ्स होने वाले हैं ना दीक्षा, 1.5 मंथ्स। तो ये बोलती है तो चूड़ा चेंज करना है, कब क्यों करते चूड़ा चेंज आफ्टर 1 मंथ 1.5 वन एंड हाफ मंथ? या तो 1.5 मंथ बात करते हैं, या तो फिर 3 महीने बात करते हैं। तो मेरे चूड़े में जो स्टोन थे वो निकल चुके थे। ओके, सो अब मैं चाहती हूँ कि मुझे चूड़ा चेंज करना। चेंज हो जाएगा लड़की का, बट यार ये ना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं आया। आराम से बताओ यार, ये देखो इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, इसका कलर कितना डल लग रहा है। मुझे डार्क लेना था क्योंकि मैंने पहले तो शॉपिंग करके यही नहीं आई, शॉपिंग करके मैं भी आया। पता मैं क्या लाऊं? मैं लाया हूँ ये ग्लव्स, क्योंकि ये ठंड पड़ने वाली है, तो शायद न्यू ईयर पे हम कहीं स्पेशल जगह में जाएं, उसकी भी तैयारी। अरे फटा हुआ है अंदर से, शिट गाइस, ये अंदर से फटा हुआ है यार, चूना लग चुका है मुझे। चलो बस चलेगा, कोई नहीं, ट्राई करके देखनी चाहिए। ये ब्लैक कलर नहीं लग रहा मेरे को, ब्लू लग रहा है ये। हैप्पी विंटर्स। सो कैसी लगी यार वीडियो, ये हमारा हो गया दिन खत्म। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब आपको पता लग जाए कि हिमाचल जीरोवर्स की वीडियो आ चुकी है। ओके बाय।